ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर का ये विशेष टॉपिक है संकल्प। तो आज मेरा वो सौभाग्य है कि दोबारा हम अपने कबीर भाई का स्वागत करते हैं। सो पहले तो आपका स्वागत, उनका स्वागत, फिर मैं ये कहूं कि यदि हमें कबीर भाई का परिचय कराना पड़े तो मैं नहीं समझती उनको कोई परिचय की जरूरत है, है ना। जो दिल से जी जान से इतनी यूट्यूब के द्वारा, ईश्वरीय खजानों के द्वारा कितनी न सेवा देते हैं, घर बैठे बैठे हम सबने कितना फायदा लिया है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि सच में मेरे दिल में आता है कि सच में जो ऐसी आत्माएं हैं जो लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट, बाबा ऐसी आत्माओं को हम सब के लिए निमित्त बनाते हैं ताकि हम उड़ान पहुंचे।
तो ऐसे हमारे भाई बहुत बहुत हमारे लिए विशेष है, तो आज हम उनको उनका दोबारा स्वागत करते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी, शांति। आपको फिर से देखकर सामने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा ने ऐसा एंजल बनाया हम सबको कि एक सेकंड में कहीं भी पहुंच जाते हैं। सही सही, संकल्पों की शक्ति से। दीदी ने बहुत अच्छी बातें बताई, मैं भी भूला हुआ था अपने बारे में ही, जो मुझे याद आई, और ये याद आते हुए मुझे कुछ याद आया। जब मैं इस ज्ञान में आया तो मुझे ज्ञान में आने से पहले भी मेरे मन में कुछ प्रश्न चला करते थे कि ये मन कैसे काम करता है। कुछ बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते थे जिन्हें मैं हमेशा रिलेट करता रहता था। अगर मन ने अब ऐसा किया, अच्छा तब ऐसा किया, तब ऐसा क्यों किया, तब ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन उनके जवाब मेरे पास नहीं होते थे, मेरे मन के पास भी उनके कोई जवाब नहीं थे। जब ये ज्ञान मिला तो तब मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैं मन के बारे में स्टडी कर सकूं। तो स्टडी करते हुए मुझे एक स्टोरी याद आई जो मैं कभी बहुत साल पहले कभी मैंने पढ़ी थी। वो स्टोरी वाकई ही इतनी शानदार लगी मुझे, और मैं उसे भूला हुआ था, लेकिन जब मैंने ये कोर्स किया तब मुझे वो स्टोरी याद आई। और आज वो छोटी सी स्टोरी मैं आपके सामने रखूंगा जरूर, और इस स्टोरी को अगर आप समझ लें तो आप मन को समझ जाएंगे, संकल्प शक्ति को समझ जाएंगे, और नेगेटिव थॉट या व्यर्थ विचार करने से पहले बहुत बार सोचेंगे। मैं सामने रखूंगा। एक बार एक राजा बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ था, उसके राज्य में ढेर सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो परेशान राजा महात्मा जी के पास जाता है। महात्मा जी के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। महात्मा जी उसकी प्रॉब्लम सुनकर उसे एक बॉटल देते हैं, कहते हैं इसे ले जाओ और अपने राज्य में जाकर खोलना। वो उस बॉटल को लेकर आता है और उसे अपने यहां के खोलता है। जैसे ही वो खोलता है उसमें से एक जिनी प्रकट होता है। वो बाहर निकलते ही बोलता है, हुकुम मेरे आका। तो राजा कहते हैं कि मेरे राज्य में जितनी भी प्रॉब्लम्स समस्याएं हैं सब खत्म कर दो। तो वो तो जिनी था, वो गया, 2 मिनट में सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके आ गया, राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा से उसने बोला कि हे राजन, मैंने सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी है, मुझे और काम दो। तो राजा कहता है, मेरे पास तो और काम नहीं है। तो वो कहता, नहीं मुझे और काम दो। तो वो कहता है, मेरे पास और काम नहीं है। कहता है, मुझे और काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राजा डर जाता है। डरा हुआ राजा दौड़कर वापस महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी को सारी बातें बताता है। तो महात्मा जी कहते हैं, तुम एक काम करो, अपने आंगन में एक सीढ़ी खड़ी करो, लेडर सीढ़ी खड़ी करो, और इस जिनी को बोलो कि इस सीढ़ी पे चढ़े उतरे, चढ़े उतरे। राजा ने आकर वैसा ही किया और वो जिन्हें सीढ़ी पे चढ़ने उतरने लग गया। राजा उससे मुक्त हो गया। अब आप सोचिए, जरा विचार करिएगा पहले तो, कि जिन्हें जो इतना पावरफुल है, जो 2 मिनट में सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है, वो ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों कर रहा है? सीढ़ी पे चढ़ उतर क्यों रहा है? वो ये भी तो कह सकता है ना कि मैं ये क्यों करूं, क्या मैं बेवकूफ हूं? लेकिन नहीं, वो कर रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि जिनी के पास शक्ति तो बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है, और ये जिनी कोई और नहीं,
मेरा मन है। मन में बुद्धि नहीं होती, बुद्धि अलग है, मन अलग है। बुद्धि मेरे पास है, मन के पास बुद्धि नहीं है। ये समझने की बात है। मन बहुत भोला होता है, मासूम है मन। मन को जो आप विजुअलाइज करके दिखा देंगे, मन उसे सत्य मान लेगा और उसे सिद्ध करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। जरा विचार करिए कि जब राजा ने जिन से कहा था कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो एक काम कर, मेरा महल गिरा दे, तो वो तो महल भी गिरा देता। वो ये थोड़ी ना कहता कि राजा आप ये क्या ऑर्डर दे रहे हैं, महल क्यों गिरवा रहे हैं, वो तो गिरा देता। वैसे ही यहां राजा हम हैं और मन हमारा जिन है और वो महात्मा शिव बाबा यानी परमात्मा है। आप देखिए कि हम क्या कर रहे थे इस ज्ञान को लेने से पहले। हमारा मंद रूपी जिन हमसे कहता रहता कि मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा, और हम उसे काम नहीं दे पाते थे तो हमारे ही जीवन रूपी महल को वो निरंतर गिराता रहता था, हमें खाता रहता था। और इस खाने का ही परिणाम ये था कि हमारा चेहरा हमेशा उदास और उतरा हुआ रहता है, था बोलूंगा, उतरा रहता नहीं है, उतरा रहता था। अगर आप पहली बार भी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर आपने राजयोग नहीं भी किया है तो भी यही स्वीकार करें, था। अब वो बात बीत गई, आज से एक नया जन्म हुआ है और जो हम सुन रहे हैं उसे स्वीकार करते जाएं। तो यहां पर हमें इस बात पर गौर करना है कि अगर वो कहता कि मेरे महल को गिरा दे तो वो गिरा देता, वैसे ही हम भी अपना महल इस मन रूपी जिन से गिरवाते आ रहे हैं। जैसे राजा ने महात्मा की मदद ली, वैसे ही हम परमात्मा की मदद लेते हैं। परमात्मा शिव हमें ज्ञान देते हैं कि इस मन रूपी जिन के लिए एक सीढ़ी लगा दो, और उस सीढ़ी को इस तरह लगाओ कि सीढ़ी नीचे धरा पे हो और ऊपर वो परम धाम को टच करे। एक अभ्यास करेंगे हम कि वो सीढ़ी नीचे धरा पर है जहां हम अभी साकार वतन में पाठ बजा रहे हैं, और ऊपर से उस सीढ़ी में परम धाम को टच किया हुआ है। जरा एक विजन देखिए, बहुत बड़ी सीढ़ी है, ऊपर परम धाम को टच कर रही है और नीचे धरा पर है। अपने मन रूपी जिन को बोलिए चल इस पे चढ़। देखिए देखिए कैसे चढ़ के वो जा रहा है परम धाम। बुद्धि एक सेकंड में परम धाम में लग जाएगी आपकी। देखिए जरा परम धाम को, वो लाल सुनहरे रंग का आकाश जिसमें आत्मा रूपी सितारे चमक रहे हैं, सितारों के मध्य हम आत्माओं के पिता ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। स्पष्ट देखे, बिल्कुल स्पष्ट। जिनकी असंख्य किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं, ये परमात्मा की शीतल किरणें मेरे मन में प्रवेश कर रही हैं। अपने मन को एक बिंदु के रूप में देखें वहां, और परमात्मा की शक्तियां मेरे मन में प्रवेश करती जाती। मेरी चमक बढ़ रही है,
मैं ज्ञान सूर्य का बच्चा हूं। जैसे परमात्मा ज्ञान के सूर्य हैं, वैसे मैं भी ज्ञान से भरपूर हूं। परमात्मा का ज्ञान मुझ आत्मा में भरा हुआ है। ये दिव्य ज्ञान पूरे दिन मेरा मार्गदर्शन करता है, मेरे जीवन को सहज बनाता है, सुखमय बनाता है। सीढ़ी से जिनको नीचे उतरता हुआ देखें और देखें स्वयं को मस्तक के बीच। ओम शांति। तो यहां से मुझे मन समझ में आया कि हम मन को जो विचार देते हैं वो पूरी तरह उन्हें स्वीकार करता है। वो कभी ये कहता ही नहीं है कि आप गलत विचार कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी बुद्धि को शिक्षित करें और उसे आसुरी से दिव्य बुद्धि बनाए। और दिव्य बुद्धि बनती है वो दिव्य ज्ञान से। तो यहां से मुझे मन समझ में आया कि मन को आप जो भी थॉट देते हैं, मन कभी ये नहीं कहता कि ये गलत है। मन कहता है बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल यही थॉट जो आपने दिया है तथास्तु। तो यहाँ पर मुझे विशेष अटेंशन देना है कि इसका लाभ लेने के लिए मुझे सबसे पहले सवेरे, जिसको बाबा कहते हैं अमृत वेला, उसका लाभ लेना है। और वो करने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं मन के इस नियम को भी जानूं कि जब मैं सवेरे सोकर उठता हूं उस वक्त मेरा मन एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। जैसे किसान, क्योंकि मैं भारत में एक किसान परिवार से हूं तो मैं ये बात बहुत अच्छे से समझता हूं कि खेती कैसे होती है। तो वो मैं आपको बता सकता हूं कि मन बिल्कुल उपजाऊ जमीन की तरह होता है। और किसान क्या करता है, उपजाऊ जमीन में बीज डालता है, चुन चुन के बीज डालता है वो। क्योंकि अगर उपजाऊ जमीन में बीज ना डाले जाएं तो उसमें खरपतवार अपने आप उग आती है, जिसको हम कबाड़ भी कहते हैं, अपने आप ही उग आती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि उसमें चुन चुन कर बीज डाले जाएं। वैसे ही मन की जमीन एकदम उपजाऊ होती है सवेरे उठते ही। जैसे ही मानो जैसे मैं सोया हुआ हूं और मेरी आंख खुली, ये पहले सेकंड से मेरे मन की जमीन एकदम उपजाऊ है। इस समय पर मुझे वो बीज डालने हैं जैसा मैं अपने जीवन को देखना और बनाना चाहता हूं। मानिए मुझे अपने अंदर ये परिवर्तन लाना है, स्वयं में ये परिवर्तन लाना है कि मैं ईर्ष्या मुक्त हो जाऊं। क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसा संस्कार है जो खुद को बहुत ज्यादा जलाता है और मनुष्य इसके बारे में इतना अवेयर होता भी नहीं है। जलता रहता है, जलता रहता है। लेकिन हम जब सवेरे उठें तो इसके लिए हम एक स्वमान रखें कि मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, या मैं ज्ञानवान आत्मा हूं। और अगर हमारा ज्ञान का पाठ अच्छा है, हम मुरली वगैरह अच्छे से अध्ययन करते हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। जैसे सूर्य जब उदय होता है तो धरा पर जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मैं मास्टर ज्ञान सूर्य इस देह की प्रकृति में मस्तक के मध्य चमक रहा हूं। सवेरे उठते एक बहुत सुंदर विजन बनाए, मस्तक के मध्य चमक रहा हूं। और जैसे ही मैं उदय होता हूं, मेरे प्रकाश फैलना शुरू होता है,
मैं ईर्ष्या मुक्त हूं। अगर ईर्ष्या का कुछ भी ऐसा अंदर है कि किसी की सफलता को देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही है, तो उस ईर्ष्या को एक ब्लैक स्पॉट की तरह देख सकते हैं आप, जो कि इन किरणों में जल के भस्म हो रही है। मैं ईर्ष्या मुक्त हो रहा हूं। आप देखिए यहाँ पर ज्ञान कितना बड़ा काम करता है। जैसे ईर्ष्या हमें किससे होती है? हमें ईर्ष्या कभी व्यक्ति से नहीं होती है, हमें ईर्ष्या होती है उसकी सफलता से। जबकि हम सफल होना चाहते हैं, हमें किसी ऐसे व्यक्ति से कभी ईर्ष्या नहीं होती जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है, राइट? हमें ईर्ष्या उससे होती है जिसके पास कुछ है। इसका मतलब हम मनुष्य से ईर्ष्या करते ही नहीं है, हम उसकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे हैं। यानी हम अपने माइंड को इनडायरेक्ट वे में ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई मुझे ना सफलता से ईर्ष्या है। और अगर आपको सफलता से ईर्ष्या हो तो सफलता आपके पास क्यों आएगी? तो सफलता तो नाराज हो जाएगी ना। अगर आप मुझसे ईर्ष्या करें, अब मुझे पता है मुझसे ईर्ष्या करता है, तो मैं भी आपसे दूर दूर भागूंगा। वैसे सफलता हमसे दूर दूर भागती है। मानो किसी के पास धन इनफ है और मेरे पास धन इनफ नहीं है, तो मैं उसके धन से ईर्ष्या करता हूँ, तो धन मुझसे नाराज होगा और दूर दूर भागेगा। और मैं कहूंगा कि धन मेरे पास क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम ही गलत है, मेरी सोच ही गलत है। सोच को चेंज करना है। बिना संकल्पों के स्वयं में हम कोई परिवर्तन ला ही नहीं सकते, क्योंकि संकल्प है बीज। इसलिए परमात्मा भी कहते हैं कि हमें अपने आप को अमृत वेले, सवेरे उठते ही, जब सवेरे उठते अमृत वेला, तो अपने आप को चेक करना है कि मेरा मन सभी आत्माओं के लिए शुभकामना और शुभ भावना से भरा हुआ है। सिंपली समझेंगे, शुभकामना मतलब शुभ इच्छाएं। दूसरों के लिए हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो शुभ है क्या? मैं उसके फायदे के लिए वो इच्छा पाले बैठा हूं या अपने फायदे के लिए इच्छा पाले बैठा हूं? अगर मैंने अपने फायदे के लिए कोई कामना रखी हुई है किसी भी आत्मा के प्रति, तो वो अशुभ कामना है, वो शुभ कामना नहीं हो सकती। और अगर वो अशुभ कामना है, तो अशुभ कामना आपे ही अशुभ, अशुद्ध, व्यर्थ संकल्पों को जन्म देती है। और अशुद्ध संकल्प जन्म देते हैं अशुभ भावना को। अगर मुझे अपने चित्त को शुभ भावना से भरना है हर एक आत्मा के लिए, तो चेक करें कि मेरी शुभकामना उनके प्रति है, शुभकामना है, मैं उन्हें क्यों बदलना चाहता हूं? मैं उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता हूं? मैं क्यों ये सोचता हूं कि पूरी दुनिया मेरे जैसी हो जाए? विचार करें, सब कबीर भाई जैसे हो जाए, सब श्वेत वस्त्र पहन लें, सब ऐसे ही बोलें, तो ये जी कितना बोरिंग लगेगा ये ड्रामा। सेम वे विचार करें कि अगर सब मेरे जैसे हो जाएं, तो ये ड्रामा कितना बोरिंग हो जाएगा। 3 घंटे की, 2 घंटे की पिक्चर कोई देख रहा है, और उस पिक्चर में जो एक कलाकार का रोल है वही सब कलाकार का, यानी सबका सेम रोल है, जो हीरो कर रहा है वही सब कर रहे हैं, तो कितनी बोरिंग पिक्चर होगी, कोई देखेगा उसे? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही ये 5,000 वर्ष की एक पिक्चर है जिसमें हम सभी आत्माएं कलाकार हैं और सबका अपना अपना रोल है। जो आत्मा जो रोल प्ले कर रही है उसको वही रोल मिला है और उसको वही प्ले करना है, वो चाहे भी ना तो भी उसको प्ले करना है। और ये एक्सेप्टेंस मेरे चित्त को बहुत शांत करती है, एकदम शांत। हर एक आत्मा अपना अपना रोल बजा रही है। अब देखना, अगर आपके मन में किसी भी आत्मा के प्रति कोई कामना होगी ना, वो शुभ ही होगी, क्योंकि यू डू नॉट वॉन्ट टू चेंज देम। अब आप उन्हें बदलना नहीं चाहते हैं, आप उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है? और स्वीकार करते क्या होता है, हमसे बहुत डिवाइन, बहुत प्योर एनर्जी, क्योंकि एक्सेप्टेंस दिव्य गुण है, तो दिव्यता की एनर्जी उस आत्मा के पास जाती है। और अगर उसमें कोई कमी है, खामी है, उस दिव्यता की शक्ति, वो दिव्यता के गुण की जो एनर्जी उसके पास जा रही है, उससे परिवर्तन होने में उसे मदद मिलती है। हम देखते हैं इसमें तो अपने आप ही चेंजेस आ रहे हैं, तो इसलिए ये कार्य हमें सवेरे उठते ही करना है। परमात्मा कहते हैं सवेरे उठते ही पहला संकल्प यही हो कि मेरा मन
हरेक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना से परिपूर्ण है। देखना इतना अच्छा मेडिटेशन होगा, किसी को भी मुझे चेंज करना ही नहीं है। सबसे ज्यादा अभ्यास अगर जीवन में करना है तो यही कि आई एक्सेप्ट एवरीवन, मैं सबको स्वीकार करता हूं। क्योंकि हमारे दिन भर में जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनमें से अधिकतर इसी को लेकर चल रहे हैं कि उन्हें हमें बदलना है। बस वो ऐसे क्यों खाते हैं, ऐसे क्यों चलते हैं, ऐसे क्यों बात करते हैं। वो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इतने पुरुषार्थ कॉन्शियस होते हैं, मतलब हम योग करते हैं, मुरली पढ़ते हैं, सेवाएं करते हैं और दूसरे थोड़ी कम करते हैं, तो ये बात भी हमें कई बार डिस्टर्ब करती है कि अच्छा बताओ ये तो कम मुरली पढ़ते हैं, ऐसे कोई करता है क्या, बताओ बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते। और इस चीज को लेकर हम इतना ज्यादा मथते हैं उस बात को अपने अंदर, इतनी नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा को भेजते हैं। और जब नेगेटिव एनर्जी को ऐसे हिलाया जाता है ना अंदर अच्छे से, तो वो मेरे मन का पक्का वाला हिस्सा बन जाती है एकदम, जैसे सफेद कपड़े पे दाग लग जाता है। मैं देख रहा हूं कि वो मुरली कभी कभी मिस कर देते हैं या वो अमृत वेला मिस कर देते हैं, और इसके चिंतन में मैं हूं। मैं देख रहा हूं कुछ ही दिनों में मुझसे भी अमृत वेला मिस होने लग गया है अभी, तो ये होता है। इसलिए सवेरे उठते ही अपने मन को शुभ भावना शुभ कामना से भरना है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं सवेरे उठते ही अपने आप को ये थॉट दूं कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। देखो हम आपको अमृत वेले के उसमें कई तरह के अलग अलग थॉट देंगे। आप ये मत सोचना कि भाई जी ये तो दूसरा थॉट दिया, अभी दूसरा दे रहे हैं, लेना कौन सा है जो आपको सूट करे या जो आपकी परिस्थिति है। दूसरा कि मन को कभी भी एक ही तरह का भोजन नहीं देना है। रोज अमृत वेला आप एक ही थॉट पे करेंगे तो मन बोर हो जाएगा, इसलिए आप संकल्प भी चेंज करते रहें तो इंटरेस्टिंग बना रहता है। जैसे अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है हम अगले सेशन में कुछ और डिस्कस करने लग जाएं, या हो सकता है अभी हम कुछ और बताने लग जाएं, लेकिन हमें ये देखना है कि मैं मेरी क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के अनुसार मुझे स्वयमान लेना है, लेकिन विधि वही रखनी है जो हम शेयर कर रहे हैं साथ में, ठीक है, जो भी बाबा प्रेरणा दे रहे हैं टच कर रहे हैं वो ही हमें विधि रखनी है, बस स्वयमान चेंज कर देने हैं। तो इसके लिए अक्सर हम एक रिहर्सल करते आए हैं। उसके रिहर्सल क्या है कि जब रात को सोने जाते हैं, जब रात को सोने जाएं तो रात को सोने से पहले एक रिहर्सल करें कि मैं सवेरे उठते ही क्या करने वाला हूं। कई बार क्या होता है, सवेरे उठते हैं नींद का प्रभाव होता है, तो नींद के प्रभाव में ना कोई थॉट ही क्रिएट नहीं होता, और होता क्या फिर ये होने लगता है, ये हल्के हल्के झुटके से आने लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि रात को सोने से पहले एक रिहर्सल कर लीजिए। तो रिहर्सल करते ही क्या होगा, माइंड को कमांड चला जाएगा कि सवेरे आपको इतने बजे उठना है और उठते ही ये कार्य करना है। तो देखिएगा अमृत वेला का भी झुटका नहीं आएगा। बहुत आत्माओं की कंप्लेन है कि भाई जी सवेरे उठते ही नींद आती है। नींद आने का कारण है कि रात को रिहर्स नहीं किया गया है कि मुझे सवेरे उठ के क्या पुरुषार्थ करना है। तो ठीक है, अभी हम छोटा सा रिहर्सल करके देखते हैं। क्या मानिए रात के 8 बजे है, सॉरी 8 बजे तो आपने कोई भी नहीं सोता, 9 बजे या 10 बजे, ठीक है चलो 10 बजे लेते हैं। 10 बजे आप सोने जाते हैं, ठीक है। 10 बजे जैसे ही बिस्तर पे पहुंचते हैं तो बैठ जाइए। अब मनन चिंतन करेंगे हम बैठे बैठे और एक विजन बनाना शुरू करेंगे। जो भी बोल रहे हैं ये आपको विजुअलाइज करना है और फिर ऐसे ही रोज अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है अमृत वेले के लिए, ठीक है। तो देखेंगे कि मैं बैठा हूं और मैं अपनी बुद्धि से विजुअलाइज करता हूं सवेरे के समय को, मॉर्निंग के टाइम को, अमृत वेले के समय को करें। जब घड़ी में 3:30 और 4 o'clock हो रहे हैं, अमृत वेले का जो भी उठने का समय हो आपका घड़ी में देखें साफ एकदम स्पष्ट। उठ गए हैं आप, स्वयं को जागता हुआ देखें, ब्रह्म मुहूर्त आप जाग रहे हैं। जाग रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, अनकंडीशनल मुस्कुराएं।
मुस्कुराएं, मुस्कुराएं, धीमे से आंखें खोलें और सामने देखें, बिल्कुल बिस्तर के एकदम सामने बाप दादा खड़े हैं एंजेलिक फॉर्म में। जिनके अंग अंग से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है, जिनके तीनों नेत्रों से प्रकाश का प्रवाह मेरे ऊपर आ रहा है, जैसे मानो सवेरे शॉवर लेते हैं, वैसे मेरा मन ज्ञान, पवित्रता और शक्तियों का स्नान कर रहा है। बाप दादा अपनी बाहें फैलाते हैं, आओ बच्चे, आओ, आओ मेरी गोद में आओ। देखें साफ, एकदम साफ विजन कि मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं और बाबा की गोद में चली जाती हूं। बाबा मुझे गोद में समाकर दृष्टि दे रहे हैं, बाबा के नैनों से शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। बाप दादा मेरे मस्तक पर तिलक लगाते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं, बच्चे विजयी भवा। एक्सेप्ट कर लें इसे। बाप दादा के दोनों हस्त जो रुई सुकोमल हैं, कॉटन की तरह सॉफ्ट, और वो मेरे सर के ऊपर ऐसे रख देते हैं। आप ऐसे रख भी सकते हैं, अनुभव करें आंख बंद करके, क्लोज योर आईज एंड फील बाबा के कॉटन से भी मुलायम हाथ मेरे सर के ऊपर रखे हैं। कुछ सेकंड रखा रहने दें, अनुभव करें उन हस्तों से लाइट मेरे ब्रेन में जा रही है। ब्रेन के एक एक सेल में शिव बाबा की लाइट समा रही है। बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे, शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न भव। श्रेष्ठ संकल्प धारी भव। बच्चे सभी आत्माएं आपके अपने भाई हैं,
यहां कोई पराया नहीं, आप सब मेरी संतान हैं। मेरे बच्चे, सबको दिल से स्वीकार करो। सबके लिए हृदय का प्रेम हो, जैसे बाबा से प्रेम करते हो, ऐसे ही आत्माओं से भी प्रेम हो। बाबा मुझे दृष्टि देते हुए लोप हो जाते हैं और मैं अमृत वेले बैठा हुआ दिव्य नेत्र से पूरे विश्व में हर एक आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देख रहा हूं। सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं, प्योर आत्माएं, पवित्र, डिवाइन। ओम शांति। ये अभ्यास हमने रात को सोने से पहले करना है और जब आप करके सोएंगे तो सवेरे बहुत आसान होगा करना, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है कि सवेरे उठ के मुझे ये करना है। हम हमेशा एक बात पर विशेष जोर देते आए हैं और अभी भी देंगे कि जीवन बदलने में ये स्टेप चमत्कारिक परिणाम लाता है, कि हम सवेरे के समय को सफल करें। शुरू के 5 मिनट हमें अच्छे से सफल करने हैं। कई बार क्या होता है, हम सवेरे उठते हैं, उठते ही कुछ भी, मतलब ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है, उठते या तो फोन उठा लिया, फोन उठा के टाइम देखने लग गए। अच्छा, टाइम देखा कोई बात नहीं, लेकिन टाइम देखने में 1 सेकंड तो गया, 2 सेकंड तो गए। अच्छा, देखा भी तो कोई थॉट भी क्रिएट किया होगा, तो माइंड पहले ही टाइम कॉन्शियस हो गया, होना था सोल कॉन्शियस, हो गया टाइम कॉन्शियस। इसलिए फोन प्लीज आप साइड में रहिए, अभी फोन को नहीं छेड़ना है, चाहे हम कितने भी बजे उठते हो। मानो मैं 3:30 बजे उठता हूं और अगर मैं 4 बजे उठाऊं तो मुझे घड़ी में देख के ये अपने मन को नेगेटिव कमांड नहीं देना है, अरे मैं तो आधे घंटे लेट हो गया। नहीं, आपने फोन छेड़ना ही नहीं है, बस मैं उठाऊं अभी, उठ के 10 मिनट पावरफुल अभ्यास, और 10 भी नहीं तो चलो 5 मिनट वहीं पे जहां बैठे हो वहीं पर, और अगर उठ के घूमते हुए कर सको तो बहुत अच्छा। कई बार बिस्तर पे बैठे बैठे करते हैं, वापस ही लेट जाते हैं, तो उठ जाइए, घूमते हुए करिए। जैसे धरा पर पांव टिकाएं तो थॉट करें कि मैं प्रकाश की देह में चमकती हुई मणि हूं और मेरे प्रकाश के पांव से लाइट निकलकर प्रकृति माँ को जा रही है, इस धरा को जा रही है, और धरा पावन हो रही है। आगे बढ़ें, थॉट क्रिएट करते हुए, मैं एक दिव्य मणि हूं, प्रकाश की देह में चमक रही हूं, मेरे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। एक संकल्प देखो क्या अनुभूति कराता है। चलते जाइए, थॉट क्रिएट करते जाइए। कई बार ऐसा भी कर सकते हैं आप, जिस स्थान पर रहते हैं, जो घर है आपका, जैसे मानिए आप घर पर हैं, उठे, चलना शुरू किया, थॉट क्रिएट करिए कि ये सूक्ष्म वतन है और मैं एक फरिश्ता हूं। अपने घर को सूक्ष्म वतन देखिए, यानी कि इन आंखों से जो भी दिख रहा है वो सब लाइट का बन गया है। दीवारें लाइट की, फर्श लाइट का, फैन लाइट का, बल्ब लाइट का, सब कुछ लाइट का, कपड़े लाइट के, सब लाइट के, पूरा देह लाइट का, और मस्तक के भी चमक रही दिव्य मणि। 1 सेकंड में योग लग गया। घूमिए, एक चक्कर लगाइए घर का अंदर, इस प्रमाण में कि मैं
मैं आकर्षक मूर्त फरिश्ता हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, सर्वशक्तियों से संपन्न हूं। एक हो गया, एक संकल्प। दूसरा संकल्प ले सकते हैं, मैं पवित्रता की ज्योति हूं निराकार, और ये मेरा घर पवित्र धाम है, शांति धाम है। पूरे घर को देखें एक सेकंड में, रेड गोल्डन लाइट से भरा हुआ। वी कैन विजुअलाइज इजली, विजुअलाइज करना इतना मुश्किल नहीं है, पर दिल से करिएगा। करें विजुअलाइज कि पूरा घर रेड गोल्डन लाइट से भरा हुआ है, और मैं केवल सितारा, अब देह नहीं है, सितारा ऐसे हवा में तैर रहा हूं। हवा में ऐसे, ये डायमंड है मेरे दो अंगुलियों के बीच में, ये तैर तैर रहा है हवा में। ये लो, संकल्प करते जाओ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, पवित्रता का सूर्य हूं, मुझसे पवित्र किरणें पूरे घर में फैल रही है। और देखना चाहे तो ये मैं हूं, ये है बाबा, बाबा की लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है और पूरे घर में फैल रही है। और देखना चाहे तो सभी आत्माएं को सितारों के रूप में घर में देख लें। देखो कितने सारे सितारे तैर रहे हैं घर के अंदर, बहुत सुंदर सुंदर डायमंड्स। और अगर सबको ना देखना चाहें तो आपके परिवार में जो आत्माएं आपके क्लोज का पार्ट बजा रही हैं, उन्हें देखिए, बहुत अच्छी एनर्जी उनको जाएगी, उन्हें बहुत अच्छा, बहुत प्योर डिवाइन एनर्जी जाएगी, सकाश मिलेगा। और देखिए आप उनमें चेंजेस देखेंगे कि उनके संस्कार भी बदल रहे हैं, वो आपको स्वीकार भी करेंगे, ज्ञान को भी स्वीकार करेंगे, और सहयोग तो करने ही लग पड़ेंगे। तीसरा हम कर सकते हैं कि ये मंदिर है, अपने घर को देखिए कि ये मंदिर है, और मैं पूज्य देवी देवता हूं। मैं इष्ट देव हूं। अब इष्ट देव में आप कौन सा देव खुद को देखना चाहें, देवी या आपकी चॉइस। मैं श्री नारायण हूं, मैं चतुर्भुज विष्णु हूं, मैं श्री कृष्ण हूं, मैं बजरंग बली हनुमान हूं, मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूं। ये देखिए, और ये मंदिर है, और आपके घर में जो रहने वाले हैं, अगर आप देख पाए कि वो भी पूज्य मूर्तियां हैं, अगर वो ज्ञान में है, अगर वो ज्ञान में नहीं है और आपका माइंड ये स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं इन्हें देवी देवताओं के रूप में देखूं, तो कोई बात नहीं, आप उन्हें भक्त के रूप में देख लीजिए कि मैं इष्ट देव और देवी हूं, और ये भक्त आत्माएं हैं। भक्तों को क्या करते हैं, देव देवियां देते हैं, केवल देते हैं। तो पूरे दिन फिर ये देने का हाथ ऐसे उठा रहेगा अपने आप, यानी मन का हाथ उठा रहेगा, फिर मांगेंगे नहीं उनसे कुछ। और अगर घरों में मांगना बंद कर दें, जैसे कई बार हम ज्ञान में होते हैं, हम ज्ञान में हैं और घर में बाकी आत्माएं ज्ञान में नहीं है, पर हम उनसे मांगते रहते हैं मन ही मन, मान सम्मान सहयोग, उससे क्या होता है, वो जो दैवी गुण है, जो देने वाले गुण है, वो काम ना करके लेने वाले काम करते रहते हैं, और फिर वो हमें स्वीकार ही नहीं कर पाते उस रूप में जो हम उनको दिखाना चाहते हैं, महसूस कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये अभ्यास कर लेना है। और हम चौथा कर सकते हैं, घर को ही देखिए कई बार कि ये मधुबन है, पांडव भवन है, और मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा श्वेत वस्त्रधारी, अपने घर में विचरण कीजिए, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवान का मैसेंजर। घर में बाकी आत्माओं को भी देखिए, वो भी श्वेत वस्त्रों में है। वो भी बाबा के बन गए हैं, ऐसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। या ऐसा ना करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप श्वेत वस्त्रों में हैं और वो सहयोगी हैं, बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। तो ये देखिए पांच स्वरूप का अभ्यास। बाबा कहते आए हैं, परमात्मा महावाक्य है, स्व परिवर्तन का आधार है स्वदर्शन,
और स्वचिंतन। जितना हम स्वयं का दर्शन करेंगे पूरे दिन, जितना अधिक स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, तो हमें ये अनुभव होगा कि हमारी एकाग्रता डेवलप हो रही है और हम बहुत लाइट रहने लग गए हैं, चेहरे की रोशनी बढ़ रही है, बहुत खुश रहते हैं। देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। ये साइंस भी कहती है कि हमारा जो माइंड है वो 80% पास्ट में रहता है, 15% फ्यूचर में रहता है और 5% प्रेजेंट में रहता है। ये आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक अंदाजा है। तो यहां पर देखिए आप, परमात्मा जो बुद्धिमानों की भी बुद्धि है, जो सर्वशक्तिमान है, जो ज्ञान के भंडार हैं, उन्हें ये पता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नियम हम पे लगा दिया। कैसे? कि जब देखा कि मन 80% पास्ट में रहता है और 5% प्रेजेंट में रहता है, तो उन्होंने क्या किया, बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमाओ, पांच स्वरूप का अभ्यास करो। मन को पास्ट में जाने की आदत है ना, तो उन्होंने कहा पास्ट में जाते ही हो तो हद में क्यों जाते हो, बेहद में चले जाओ, पास्ट में जाओ, कब मना है क्या, खूब जाओ। देखो जैसे कहते ना, कोई पिता अपने बच्चे को समझा रहा हो, बेटा मना नहीं है, करो करो, लेकिन ऐसे करो, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे नहीं जाओ, आप पास्ट में खूब जाओ, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे जाओ। तो देखो, पास्ट में जाइए, सतयुग में जाइए, पास्ट में जाइए, अपने पूज्य रूप को देखिए, पास्ट में जाइए, है ना। तो कितनी अच्छी बात है और कितना आसान है जाना, मुश्किल क्यों लगता है। देखिए, मन के इस नियम को यूज करिए। जैसे मानिए कोई घटना हमारे जीवन में 5 वर्ष पहले हुई थी और आज भी हम कहीं बैठे होते हैं ना अकेले, खासतौर पे अकेले जब होते हैं, तो वो बातें ना हमें याद आ जाती हैं। 5 साल पहले ऐसा हुआ था, उसने मुझे ऐसा बोला था, मैंने उसको ऐसा बोला था, मुझे ये बोलना चाहिए था। और देखते देखते आप देखेंगे कि वो पूरा पिक्चर आपको क्लियर दिखेगा, जैसे मानो ये अभी वर्तमान में घटित हो रहा है। और देखना मूड बिल्कुल उतना ही ऑफ होगा अगर वो अभी वर्तमान में घटित हो जाए तो, जितना होना है उतना ही ऑफ होता है ना। यानी कि इससे सिद्ध होता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति वैसी समर्थी। यानी जैसा हम स्मृति में है, जो हम याद कर रहे हैं, वैसी हमारी स्थिति हो गई है। ठीक, तो जब 5 वर्ष पहले का मन याद कर सकता है, 10 वर्ष पहले का कर सकता है, 20 वर्ष पहले का कर सकता है, 50 वर्ष पहले का भी कर सकता है, अगर हमारी उम्र अभी 70-80 वर्ष है तो हम कर लेंगे वो भी, तो पिछले जन्म का हाँ हमें याद नहीं है, लेकिन हम याद कर सकते हैं चाहे तो। कोई घटना अच्छा पिछले जन्म में हुई तो होंगी, चिंतन भी करेंगे तो नेगेटिव भी हुई होंगी, पॉजिटिव भी हुई होंगी। चलो छोड़ो, और पीछे चलते हैं, हम सीधे चलते हैं अपने पूरे 84 जन्मों पीछे और जाके देखते हैं सतयुग में। हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, ये याद रखिएगा। तो स्मृति क्या है अभी, कि मैं आत्मा, सोल है कला संपूर्ण हो, फुल बैटरी चार्ज हो। पिक्चर बनाइए देवताओं का, देवताएं कैसे होते हैं, अपने आप को देखिए देवी और देवता के रूप में। रूहानी नैन, नूरानी चेहरा, रुमानी मुस्कान, सर पे डबल ताज, अच्छे से देखिए उसे, अनुभव करिए। ये लाइट, ये पावर का यानी माइट का ताज जो हीरे रत्न जड़ित है, और पीछे लाइट का ताज जिसकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। कानों में कुंडल, कंचन काया, चेहरा सूरज की तरह चमकता हुआ,
हीरे रत्नों से जड़ित वस्त्र आभूषण पहने हुए, चलन में रॉयल्टी, वाणी में मिठास, विचार करिए कि श्री कृष्ण कैसे बोलते होंगे। देखिए उन्हें वहां पर तो कितना मीठा बोलते हैं, कितना कम बोलते हैं। उनके चेहरे पर कितनी मुस्कान है, चारों ओर का नजारा देखिए। सोने के विशाल महल बने हुए, गोल्डन महल, महलों में विचरण कर रहे हैं शहजादे शहजादियां, महल के बाहर देखिए प्रकृति का अतुल्य सौंदर्य, हरे भरे मैदान, बगीचे में मोर नाचते हुए, कोयल गाती हुई, रंग बिरंगी तितलियां मंडराती हुई, वृक्ष के तले श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, बांसुरी की तान पर संपूर्ण प्रकृति थिरकती हुई, देवी देवताओं के मध्य असीम प्रेम, कितने प्यार से रहते हैं देवी देवताएं, इस तरह से हम मन के इस नियम का यूज कर सकते हैं कि जैसे मन को पास्ट में जाना बहुत पसंद है तो उसे पास्ट में ही लेकर जाएं, बार बार दिन में लेकर जाएं, जब भी वो भटक के पास्ट में जाए तो उसे जाने दें, रोके ना, और जब वो जाए तो उससे कहें चलो थोड़े और पीछे चलते हैं। जैसे मानो
एक माँ अपने छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा जब जैसे माता खाना बना रही है, बच्चा बार बार किचन में आए तो माता उसे रोक रही है, और आप बच्चे को जो ना करने के लिए कहते हैं ना बार बार, बच्चा वही ज्यादा करता है, राइट। तो वैसे ही मन है, आप मन को जो काम ना करने के लिए कहोगे ना, उसको सबसे ज्यादा करेगा, वहीं पे जाएगा। जैसे मानो हम आपसे कहें अभी कि कुछ भी हो जाए अपने दाएं तरफ नहीं देखना, बाएं तरफ देख सकते हो, दाएं तरफ मत देखना बस। तो सोचेंगे दाएं तरफ देखें पहले, बाएं तरफ बाद में देखेंगे, पहले दाएं तरफ देख लेते हैं अच्छे से। तो ये मन का नियम है कि जो काम उसे ना करने के लिए बोलोगे ना, उसको पहले करेगा। जैसे बोले अभी आपसे कि डोंट थिंक अबाउट व्हाइट रैबिट, ओ अभी देखो ये सोच रहा है मन उसके बारे में, है ना। अब कितना कोशिश कर लो लेकिन मन सोचता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा। तो मन का ये नियम है कि उसे जो ना करने के लिए कहेंगे ना, उसे वो पहले कर देता है। उसी तरीके से जैसे एक माँ जब बच्चा उसका बार बार किचन में आता है तो वो उसकी डायरेक्शन बदलती है, वो उसे बांध नहीं देती, ठीक है। वैसे ही हमें अपने मन की डायरेक्शन को बदलना सीखना है, मन को दबाना नहीं है, मन को जबरदस्ती रोकना नहीं है, डायरेक्शन को बदलना है। क्योंकि मन का नेचर ही है थॉट क्रिएट करना, और वो थॉट क्रिएट करेगा ही। उसे थॉट क्रिएट करने दिया जाए लेकिन उन्हें परिवर्तन करना है धीरे धीरे, परिवर्तन करना है धीरे धीरे, तो बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये वाला नियम अपना सकते हैं। बाकी मुझे टाइम का पता नहीं चल रहा है, टाइम अगर है तो 7 आपके पास टाइम है तो, मतलब? हाँ जी दीदी कितना टाइम है? अजी अभी तो आपके पास ऑल इन ऑल ऑलमोस्ट आधा घंटा है कंप्लीट करने को, क्वेश्चन आंसर जो भी आप ठीक ठीक समझे। नहीं, अगर क्वेश्चन आंसर है तो वेरी गुड, क्वेश्चंस ले लेते हैं, कोई बात ऐसा और कर सकते हैं, अगर आप अगर और अगर मेडिटेशन और लेना है तो। आप हाँ और जी अगर 10 मिनट करा ले और फिर वैशाली बेन आपसे क्वेश्चन पूछना आंसर, करते हैं। ठीक है, क्योंकि समय का नहीं पता चल रहा ना, भी मुझे कोई पता बात चल नहीं, गया बढ़िया बढ़िया। तो हाँ, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अभ्यास और कर सकते हैं जो मुझे बहुत प्रिय है, और आप भी अभ्यास कर सकते हैं। अभी जब बाबा आए थे तो बाबा ने एक बात बोली थी विलास बाबा मिलन में, कि जो सरेंडर हुए हैं उन्होंने तन मन और धन बाबा को अर्पित समर्पित कर दिया, कर दिया तो वो बाबा का हुआ, अब आपका नहीं है। देखो कह दिया बाबा तन मन धन सब तेरा, भक्ति में भी कहता है तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, कहते तो बहुत आए लेकिन भक्ति में गाया थोड़ी देर बाद सब मेरा क्या लागे तेरा, मतलब फिर भगवान को भी फिर कह तो देते थे उसे खुश कराने के लिए, लेकिन सब मेरा ही है, थोड़ी देर क्या वही उसी वक्त मेरा है। वैसे ज्ञान मार्ग में भी होता है, हम कहते हैं ना कि बाबा ये तन भी आपका है, ये मन भी आपका है, ये धन सब आपका है, लेकिन अगर हमें कोई कुछ बोल के देखे एक बार, फिर देखिए हमारी ईगो क्या काम करती है, फिर कैसे कितने हम निरहंकारी हैं पता चल जाता है। तो यहाँ पर हमें ये गौर करना है, इसकी चेकिंग करनी है, और चेकिंग जब करेंगे तो ज्ञान हमें बताता है कि आप व्यर्थ ही एरोगेंस दिखा रहे थे, आप व्यर्थ ही ईर्ष्या कर रहे थे, आप व्यर्थ ही घबरा रहे थे। ज्ञान बहुत बड़ी डोज है, बहुत बड़ा शस्त्र है नेगेटिविटी को नष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तन मन और धन, इसका अभ्यास हम कैसे करें? इसका अभ्यास हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे बहुत समय पहले, या अभी भी मैं बीच बीच में तो ऐसा करता रहता हूँ, क्योंकि देखो वही है ना कि आपने खेत में फसल डाली और फसल के साथ खरपतवार भी आती रहती है, आपको खरपतवार बीच बीच में छटाई करती रहनी चाहिए, नहीं तो वो आती ही रहती है। वो तो ऐसे नहीं एक बार निकाल दिया फिर नहीं आएगी, वो आती रहेगी जब तक संपूर्ण नहीं बन जाते। तो बीच बीच में ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है और आपके साथ भी होता होगा। तो यहाँ पर ये अभ्यास बीच बीच में कर सकते हैं, रोज करें तो बहुत अच्छा। जब सोने जाएं रात को, तो मैं ऐसे करता था कि रात को सोने जाएं तो देखते हैं एक अभ्यास कि ये जो तन है ये बाबा की गाड़ी है, ये तन है ये बाबा की गाड़ी है, ओके। तो जैसे एक पिता है, उसके मान लो 3-4 बच्चे हैं और उसके पास 3-4 गाड़ियां भी हैं, कोई मर्सिडीज है, कोई ऑल्टो है, कोई
बड़ी गाड़ी कोई छोटी गाड़ी है, ठीक है। अब उसने हर बच्चे को गाड़ी दी हुई है कि बेटा तू इस गाड़ी से ये काम कर, इस गाड़ी से ये काम कर, इस गाड़ी से ये काम कर। वो कार्य करते हैं उस गाड़ी से, लेकिन उस गाड़ी को अगर कुछ हो जाए या उस गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, उस गाड़ी में पंचर हो जाए, वो फिक्र नहीं करते, क्योंकि संभालने वाले उनके पिता बैठे हैं जो कि बहुत ही समृद्ध संपन्न है, जैसे हमारे शिव पिता हैं। तो उसी तरीके से ये गाड़ियां जो हैं, जो हमें मिली हुई है देह रूपी कारें, ये शिव बाबा की हैं। तो ये सवेरे जब आप सोने जाएं तो माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह से करें कि ये बाबा की कार है, मैं इसमें आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा हुआ हूं, ये बाबा की कार है, मैं इसमें आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा हुआ हूं, मैं आत्मा रूपी ड्राइवर इस गाड़ी से अलग हूं। क्या होता है कि हम जो कार होती है फोर व्हीलर, उसमें हम रोज कई बार बैठते हैं, कई बार बाहर निकलते हैं, विंडो खोल के अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं बाहर आते हैं। तो हमें ये स्पष्ट है कि मैं गाड़ी से अलग हूं, मैं एक कार नहीं हूं। लेकिन सोचे जन्मते ही हम गाड़ी की सीट पे बिठा दिए जाते और कभी भी बाहर नहीं आते, वहीं हमें भोजन दिया जाता, वहीं सब कुछ दिया जाता, तो वो गाड़ी हमारा संसार बन जाता और खुद को हम गाड़ी ही मानने लगते। वैसे ही यहां हुआ है कि जब मैं आत्मा मां के गर्भ में इस गाड़ी में प्रवेश की और फिर मेरा जन्म हुआ, तब से आज तक मैं इस गाड़ी से एक बार भी निकली ही नहीं हूं। अब इस गाड़ी से निकली नहीं तो मैं गाड़ी कॉन्शियस हो गई, कार कॉन्शियस हो गई हूं, मैं अपने आप को कार समझने लगी हूं, जबकि मैं ये कार नहीं हूं। कार समझने से ही सब कुछ बेकार हुआ है। तो हमें यहां पर अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से करनी है कि मैं ये कार नहीं, इस कार की मालिक हूं। अभी देखो शिव बाबा ने भी इतना प्यारा ज्ञान दिया है कि इस देह से अलग होने का अभ्यास करो, ये देह मैं नहीं हूं, देह से न्यारी एक शक्ति हूं, वैसे ही मैं ये गाड़ी नहीं हूं, गाड़ी से अलग एक ड्राइवर हूं। और रोज कई बार अंदर बाहर होने का अभ्यास करें, जैसे हम फोर व्हीलर के साथ करते हैं दिन भर में, ऐसे इसके साथ भी करें। 1 सेकंड में बाहर करें, 1 सेकंड में अंदर, बाहर अंदर बाहर। देखो ये है आत्मा, इसके अंदर ये सितारा, अंदर बाहर अंदर मैं एक आत्मा हूं, इस देह रूपी कार का मैं मालिक हूं। ये तो मशीन है, ये मशीन है, मशीन है। अब हम देखेंगे स्वयं को कि जब हम बाबा को चाट देते हैं रात को सोने से पहले, तो अक्सर हम ऐसे देते हैं चाट कि अपने आप को 1 सेकंड में बाप दादा के पास देखते हैं, सूक्ष्म वतन में देखते हैं। चलो सूक्ष्म वतन में देखिए स्वयं को बाप दादा के साथ। आकाश के ऊपर कमल आसन पर बैठे हुए मुस्कुराते हुए बाप दादा मेरे सामने ही कमल आसन पर बैठे हैं, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। दृष्टि दे रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट देखेंगे, उनके मस्तक से लाइट निकल रही है और मेरे मस्तक में प्रवेश कर रही है। व्हाइट रेज। आंखें खोल कर देखें बाबा को और अनुभव करें, आंखों में व्हाइट रेस प्रवेश कर रही है, आंखों में व्हाइट रेस प्रवेश कर रही है। ऐसे पलकें थोड़ी ब्लिंक करें और जैसे सूर्य की तरफ देखते हैं ना तो आंखें थोड़ी ऐसे होती हैं, ऐसी बाबा की किरणों के सामने करें, बाबा की लाइट को अपनी आंखों में भरें।
आंखों में दिव्यता बढ़ेगी। ऐसे लाइट को अंदर जाने दें। बाबा का हाथ अपने माथे पर आने दें, फोरहेड पर बाबा हाथ लगा रहे हैं प्यार से, ऐसे लगाने दें। और बाबा से कहें, बाबा वो आपकी गाड़ी, अभी देखो मैं ऐसे थोड़ी बाबा से चिट चैट करता हूं, आप भी अलग तरीके से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बाबा वो आपकी गाड़ी, वो नीचे खड़ी है, देखिए अब ऊपर से ही मैं और बाप दादा नीचे देख रहे हैं धरा पर, वो पंच तत्वों की कार नीचे पार्क की हुई है। बाबा वो रही आपकी कार, देख लो एकदम ठीक है ना। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, हाँ बच्चे ठीक है, ओके। कार हो गई अलग, ये कॉन्शियसनेस हो जाएगी कि ये तन मेरा नहीं है, बाबा की गाड़ी है, मुझे सेवार्थ मिली हुई है, ये स्पष्ट हो जाएगा, ये माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी ऐसे अभ्यास करने से, ठीक है। अब तन तो बाबा को सौंप दिया, अब रह गया मन। मन क्या होता है? मन है ये लाइट की बॉडी, मन से ही तो ये लाइट की बॉडी तय होती है ना, बनती है ना, क्रिएट होती है ना। अगर मन संकल्प ही ना करे तो ये लाइट की बॉडी समाप्त। तो जब आत्मा इस लाइट की बॉडी से निकल जाती है ना, केवल बिंदु रह जाती है, तो कोई थॉट क्रिएट नहीं करती, तो थॉट की क्रिएशन इस लाइट की बॉडी का निर्माण करती है। तो हम क्या देखेंगे कि बाबा ये लाइट की देह भी आपकी, यानी ये मन भी आपका, और मैं आत्मा बिंदु इस लाइट के देह से भी बाहर, आत्मा निकल गई बाहर, ये कोहिनूर का हीरा चमकता हुआ देखिए, और ये लाइट की देह भी सौंप दो बाबा को, लो बाबा मन भी आपका, अब कोई थॉट नहीं चलेगा, कोई थॉट नहीं, बस अब परम धाम में चुपचाप बैठ जाइए, शून्य है। कोई विचार नहीं, अब मैं आत्मा अपने घर पहुंच गई हूं। परम धाम में, उस शीतल धाम में शीतल प्रकाश फैला हुआ, इस ठंडे ठंडे प्रकाश में मैं आत्मा नहाती हुई मैं आत्मा सर्वगुण सर्वशक्तियां सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से भरपूर हूं। अब मैं आत्मा बिल्कुल बाबा के जैसी हूं, जैसे मेरे बाबा हैं वैसा मैं हूं। बाप समान, जैसे मानो परम धाम में दो सूरज उदय हुए हों, मैं और बाबा एक जैसे हैं, बाबा
अब मैं आत्मा धीरे धीरे वापस आ रही हूं अपनी चमक को बिखेरती हुई, किरणों की छटा चारों ओर बिखरी हुई, धीमे धीमे नीचे आ गई। मैं नीचे अपनी कार में बैठ रही हूं, इस देह रूपी गाड़ी में बैठ गई हूं। ओम शांति। भाई जी एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये है कि हाउ टू विजुअलाइज माइंड, व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर डू वी विजुअलाइज टू पिक्चर माइंड। देखिए जब हम माइंड को विजुअलाइज करने की बात करते हैं तो आप एक उसे छोटा सा सितारा देख सकते हैं, अ पॉइंट ऑफ लाइट, वही आत्मा का रूप है। और आत्मा की तीन फैकल्टी होती हैं, मन बुद्धि और संस्कार। यानी आत्मा जैसे मानो मैं हूं, मैं एक समय पर भाई भी हूं, एक समय पर बेटा भी हूं, एक समय पर मित्र भी हूं। यानी ऐसे ही आत्मा मन भी है, बुद्धि भी है और संस्कार भी है। तो आप मन को एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में ही विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसे शिव बाबा की किरणों के नीचे थोड़ा ठहरा दिए। देखिए वैसे तो सिंपली राजयोग में सिखाया गया है कि ये परमात्मा है और मैं आत्मा हूं, उनसे किरणें ले रही हूं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम इतने पक्के नहीं हुए हैं, अभी नए नए हैं, तो हमें क्या है, ये भाषा ज्यादा अच्छी समझ में आती है कि मेरा मन, यानी कहते हैं ना जैसे दूसरों को ज्ञान देना आसान है, खुद को देना मुश्किल है, वैसे ही अपने मन को ज्ञान देना आसान है। अगर ये कहें मैं आत्मा उड़ चली, थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब कहें मेरा मन उड़ चला, थोड़ा आसान होता है। तो मन को उड़ता हुआ आप एक पंछी के रूप में भी देख सकते हैं, एक छोटा सा पंछी उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है, और वहां पर जाके जब वो दूर चला गया आपसे, तो वो छोटा सा सितारा ही दिखाई देगा ना दूर से, और वहां फिर वो लाइट ले रहा है, लाइट ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, लेके वापस आ गया। ऐसे कर सकते हैं अगर इनका क्वेश्चन इसी बारे में है तो। वो पूछते हैं कि विजुअलाइज थर्ड पार्टी के जैसा विजुअलाइज करें, लेकिन आई थिंक भाई जी ने जवाब ये दिया है कि आत्मा बिंदु है, सितारा है, वैसे माइंड भी माइंड को भी सितारा देखना है, थर्ड पार्टी नहीं है, करेक्ट। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आप जैसे मानो, क्योंकि देखो मन तो सूक्ष्म है ना, जैसे आत्मा सूक्ष्म है वैसे मन भी सूक्ष्म है, ब्रेन सूक्ष्म नहीं है। माइंड और ब्रेन में फर्क है, ब्रेन बॉडी का पार्ट है, मन आत्मा का पार्ट है, और मन इन आंखों से नहीं दिखता। लेकिन हम मेडिटेशन में कई बार ऐसा करते हैं, जैसे मानो जैसे स्वराज्य अधिकारी एक प्रमाण आया और हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमने लिया मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, स्वयं का राजा हूं, मन बुद्धि संस्कार मेरे मंत्री हैं, और तीनों मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो हम उन्हें एक बॉडी की शेप देकर विजुअलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड इसे आसानी से समझता है ना, क्योंकि आसपास तो वो देह ही देखता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन आया है भाई जी कि माइंड को स्टेबिलाइज कैसे करें। मन की भाषा है पिक्चराइजेशन, यानी कलर, म्यूजिक और इमेज। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनके द्वारा मन स्पष्ट रूप से हमारे ऑर्डर को समझता है। अगर आप अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, तो बुद्धि एक पार्ट है, बुद्धि भी हमें मिली हुई है, और बुद्धि का रोल ही है विजुअलाइज करना। बुद्धि का रोल एनालाइज करना भी है, लेकिन विजुअलाइज करना पहले है। जैसे मानो कि मैं एक थॉट क्रिएट करता हूं कि दुनिया कितनी खराब है, मैंने एक थॉट क्रिएट किया कि दुनिया कितनी खराब है, या मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं है। तो जैसे मैं थॉट मुझे आता है कि मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं है, मेरी पड़ोसन अच्छी नहीं है, उसने कल ही मुझसे झगड़ा किया था, कल मुझसे क्या क्या बोली थी, तो जब मैं ये सोच रहा हूं
तो मेरा मन, मेरी बुद्धि ये सब विजुअलाइज कर रही है। वो सारी पिक्चर दिखाएगी आपको वो, कि कल क्या-क्या हुआ था, और आप देखते जा रहे हैं, यानी मन देखता जा रहा है उन पिक्चर्स को, और डिस्टर्ब होता जा रहा है। अब स्टेबलाइज तो नहीं होगा ना। इसके विपरीत मन के इसी नियम को यूज करिए और थॉट क्रिएट करिए कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। और सिर्फ कहना नहीं है, फिर बुद्धि से विजुअलाइज करना है कि शांत स्वरूप आत्मा कैसी होती है। अगर मानिए भगवान आपके सामने अभी प्रकट हो जाएं और आपको वरदान दें कि शांत भव, आप एकदम शांत हो जाएं, तो उस वक्त आपकी स्थिति कैसी होगी, वो आप अपनी बुद्धि को विजुअलाइज करके इस मन को दिखाइए। और मन कहेगा जी मालिक। वो याद है ना, सबसे पहले एक छोटी स्टोरी सुनाई थी कि जिन कहता है जी जी, राजा को कहता है जी, वो जो कहता है वो करता है ना, सीढ़ियों पे चढ़ा उतरा चढ़ा उतरा। तो ये जिन है, और यहाँ पर बुद्धि क्या कह रही है, ये लो शांत, ऐसी शांति ऐसी होती है, शांत व्यक्ति ऐसा होता है, शांति से उठो, शांति से बोलो, शांति से बात करो, है ना, ये विजुअलाइज करके दिखाओ। मन एकदम खुश हो जाएगा देख के, और देखना आप शांत होने लगेंगे। और यही काम आपने सबसे पहले करना है सवेरे उठते ही और रात को सोने से पहले। और एक और बात जो बहुत कम आत्मा इस पर ध्यान देती है, जैसे मानो रात को सोने जा रहे हैं, तो रात को सोने जाएंगे ना तो मेडिटेट करेंगे, ठीक है, किया, और फिर लेट जाते हैं। लेटते ही क्या करते हैं, मन को फ्री छोड़ देते हैं, बुद्धि को फ्री छोड़ देते हैं। अब वो क्या करते हैं, व्यर्थ की तरफ फट से चली जाती है, क्योंकि कलयुग है ना, फट से चली जाती है। इसलिए जब लेट जाए तो लेट करना, कुछ अभ्यास करें जब तक नींद ना आ जाए। लेकिन एक बात और है, अब थोड़े से बड़ी क्लास हो जाएगी, मैं उस पर जाऊंगा तो, लेकिन एक बात छोटे से सार में बताएंगे इस बात को, कि एक बात और है, जब आप लेटे हैं ऐसे करते ही हो, तो अपना मोटिव सोना ना रखें, मोटिव रखें पुरुषार्थ करना। लेट के मैं पुरुषार्थ करती हूं ना, कुछ कुछ अभ्यास करती हूं। तो जब ये मोटिव रखेंगे तो नींद कब आ जाएगी पता नहीं पड़ेगा, और गहरी नींद आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने लेट के मोटिव रखा नींद को, और पुरुषार्थ फिर जबरदस्ती किया, ना पुरुषार्थ होगा, और जो नींद भी आएगी ना, वो बस गहरी नींद नहीं होगी, सात्विक नहीं होगी। इसलिए लेट तो जाइए, नींद को मोटिव मत रखिए, पुरुषार्थ को रखिए। लेटे लेटे पुरुषार्थ करिए, हल्के हल्के से, एक आत्मा हूँ मैं, ये देह नहीं हूं। मतलब मैं तो ऐसे कई बार ऐसे चिंतन करता हूँ लेटे लेटे कि अच्छा कबीर भाई ये देह नहीं है। जैसे अभी देखिए, आप अपना नाम पुकार के देखिए, नाम पुकारेंगे तो आपको अपनी बॉडी की इमेज सामने आएगी। तो इसका एक अभ्यास करिए कि कबीर भाई हूं मैं, अच्छा कबीर भाई ये देह थोड़ी ना है, वो तो बिंदु है, छोटा सा बिंदु, अच्छा मैं बिंदु हूँ। ओके, लेटे लेटे आप जब ये करेंगे ना, अच्छा मैं बिंदु हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, इतना अच्छा लगेगा आपको, इतना मजा आएगा। अच्छा फिर जैसे मानो दिन में आपको कोई आवाज लगा रहा हो, आप बात करते हैं जैसे किसी से, किसी ने आपका नाम लिया, जैसे बोला किसी ने कबीर भाई, तो मैं वो आवाज को सुनता हूँ, फिर लेटा लेटा किसी ने बोला कबीर भाई, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो सितारे को देख के आवाज लगा रहा है, और मैं देख रहा हूँ वो भी सितारा ही है, एक सितारा दूसरे सितारे से बात कर रहा है। तो कितना फनी लगेगा, एक सितारा कह रहा है दूसरे सितारे से कबीर भाई, ये कह रहा हाँ भाई, देखो कैसा लग रहा है, फनी। तो लेटे लेटे इतनी अच्छी नींद आएगी आपको, और इतना अच्छा पुरुषार्थ होगा, अवचेतन में लास्ट थॉट वही एंटर करेगा, और सवेरे एकदम अमृत वेले एकदम फ्रेश उठेंगे, उठते ही एकदम मजा आ जाएगा, करके देखिएगा तो हो जाएगा स्टेबलाइज। ऐसा लगता है आपका विजन बहुत ही विविड है और मजे का है। लेकिन एक क्वेश्चन आया है कि विजुअलाइजेशन में बहुत दिक्कतें आती है, तो कैसे उसके लिए कैसे पुरुषार्थ करें? देखिए जो ये शब्द है ना दिक्कत वाला, विजुअलाइजेशन में दिक्कत, इसे एकदम हटा दीजिए, अभी के अभी हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि विजुअलाइज करने में ना हमारी बुद्धि मास्टर है, हमारी बुद्धि मास्टर है विजुअलाइज करने में। देखिए अभी आप गुलाब जामुन विजुअलाइज करके देखिए, फट से बुद्धि विजुअलाइज करने लग गई है ना। तो गरम गरम गुलाब जामुन देखिए, बुद्धि फट से विजुअलाइज करेगी और मुख में पानी आ जाएगा। वी आर मास्टर इन विजुअलाइजिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ऐसी चीजें हैं ना जिनसे हमारा जीवन बदल जाएगा,
जिन्हें पढ़ना सुनना देखने की हमें आदत नहीं रह गई है। अब क्या है, गुलाब जामुन खाने की तो आदत है, और व्यर्थ सुनने की बहुत आदत है, व्यर्थ देखने की बहुत आदत है। तो होता क्या है, व्यर्थ को बड़ी मास्टरी से विजुअलाइज करते हैं हम। अच्छा, विजुअलाइज करने मास्टर हैं हम, देखो व्यर्थ को कितने अच्छे से विजुअलाइज करते हैं। लेकिन अब हमें विजुअलाइज करना है समर्थ को, और उसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने मन और बुद्धि को समर्थ यानी डिवाइन सुनना पढ़ना देखना देना होगा। सुनना पढ़ना देखना, सुनना पढ़ना देखने के माध्यम से मन भोजन करता है। सुना, पढ़ा, देखा, इन तीन के माध्यम से मन भोजन करता है। यह है मन की डाइट। और फिर मन चिंतन जो चलाता है वो है एक्सरसाइज। अगर हमें शरीर परफेक्ट शेप में लाना है तो हमें हेल्दी भोजन लेना होता है और फिर साथ में एक्सरसाइज करनी होती है। इन द सेम वे, मन को परफेक्ट बनाना है तो हमें हेल्दी भोजन और फिर चिंतन तो ये खैर करेगा ही, अपने आप रुकेगा ही नहीं। तो अगर कोई आत्मा परमात्म ज्ञान की स्टडी करे, पीस ऑफ माइंड टीवी सवेरे अमृत वेला, जिसका जिसको विजन में थोड़ा कच्चे हैं, जिनका विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं है योग के लिए, वो पीस ऑफ माइंड टीवी पर अमृत वेला करें सवेरे, कुछ दिन अमृत वेला उस पर करें, सामने खोल लें और उसको बैठ के ऐसे देखें जैसे लाइव टीवी चल रहा है, जैसे लाइव मैच चलता है ना, लाइव क्रिकेट मैच ऐसे देखें। ओ तो क्या देखें, ओ परम धाम से लाइव मैच आ रहा है, अच्छा ये शिव बाबा, ओ ये इधर से आत्मा, ये मैं हूँ, अच्छा ये अच्छा ये दीदी हैं, अच्छा ये वो भाई हैं, ऐसे देखेंगे ना आपका योग इतना अच्छा लगेगा, टीवी देखते देखते ही आप खो जाएंगे। तुरंत क्या होगा, अवचेतन एक्टिव हो जाएगा, कॉन्शियस सुषुप्त हो जाएगा, अवचेतन एक्टिव हुआ, योग लगा, फिर देखिए क्या होता है। शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
सबको सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। बरसे गगन से बादल ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है, अंतर की ज्योति है जगानी। अब हमको जन जन जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अपने अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।